इन द प्रीवियस एपिसोड आप लोगों ने देखा था हमारा जर्नी फ्रॉम जुलुक टू आगामलोक एंड रास्ते में जाते जाते हम लोगों ने देखा था रोंगली मार्केट, खूबसूरत आरितार लेक। इसके बाद हम लोगों ने देखा था आरितार मॉनेस्ट्री, फिर हम लोगों ने देखा था माखिम व्यू पॉइंट एंड एट द एंड हम लोगों ने देखा था आरितार ब्रिटिश टाइम स्कूल। वीडियो में मैंने ईस्ट सिक्किम घूमने के लिए ट्रैवल एजेंसी का बुकिंग डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर अभी भी आप लोगों ने ये वाला एपिसोड नहीं देखा है दैन जल्द से जल्द देख लीजिए, ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। सो चलो अभी हम लोग शुरू करेंगे विद आवर लास्ट एपिसोड ऑफ आवर ईस्ट सिक्किम टूर। एंड अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे दैन ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना एंड सबके साथ शेयर करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो दैन ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि और ऐसे ब्लॉग्स आप लोगों को मिल जाए। सो चलो शुरू करते हैं विद द लास्ट एपिसोड ऑफ आवर ईस्ट सिक्किम टूर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद द लास्ट एपिसोड ऑफ आवर ईस्ट सिक्किम टूर। आज घर वापस जाने से पहले हम लोग जाने वाले हैं फिर से शॉपिंग करने के लिए। इससे पहले हम लोग गए थे रोंगली बाज़ार में एंड आज हम लोग जाएंगे रैनॉक बाज़ार में, ईस्ट सिक्किम का और एक फेमस मार्केट में। एंड हम लोग कंपेरिज़न करके देखेंगे कि कौन से वाले मार्केट में चीप प्राइस में आपको शॉपिंग करने के लिए चीज़ें मिलेंगी। सो चलो निकलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कलकत्ता के महिलाओं को बताना चाहूँगा एक प्रीमियम टेलरिंग सर्विस के बारे में, जहाँ से आप लोग बहुत ही खूबसूरत ब्लाउजेस एंड चूड़ीदार्स बना सकते हो। यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, यानी ऊपर दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करने के बाद ये लोग आपके घर से आपका साइज़ एंड मटेरियल कलेक्ट करके बनाकर आपको होम डिलीवरी भी कोलकाता के आसपास के जगह में कर देंगे। लेकिन आपका मिनिमम ऑर्डर प्राइस उसके लिए 500 होना पड़ेगा। सो देर किस बात की, जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रैनॉक मार्केट। सो चलो चलते हैं अंदर एंड देखते हैं यहाँ पर चीज़ों के दाम क्या सच में कम है या ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रोंगली मार्केट। रैनॉक मार्केट में सस्ते प्राइस में आप लोगों को फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिल जाएंगे। रैनॉक मार्केट में सस्ते प्राइस में किचन के इम्पोर्टेंट आइटम्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। रैनॉक मार्केट में सस्ते प्राइस में आप लोगों को कैंडीज एंड स्वीट्स भी मिल जाएगी। इस मार्केट में इलायची भी आप लोगों को बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो खरीद कर घर ले आ सकते हो। छतरी का प्राइस बोथ रैनॉक एंड रोंगली मार्केट में करीब सेम ही था। हम लोग रैनॉक मार्केट से शॉपिंग करके निकल चुके हैं। यहाँ पर क्लोथिंग का प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मार्केट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एंड हार्ट में जहाँ पर विलेज के लोगों सेल कर रहे हैं वहाँ पर प्राइस थोड़ा सस्ता है एंड बाकी जो चीज़ें दिखाए मैंने वो वाले सस्ते हैं, लेकिन क्लोथिंग यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ओवर प्राइस है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मार्केट। रैनॉक मार्केट में शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन, जहाँ से कोलकाता वापस जाने का ट्रेन हमारा नाइट के टाइम में था। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से
रात के दार्जिलिंग मेल एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग वापस कोलकाता आ गए थे। ईस्ट सिक्किम ट्रैवल सीरीज़ यहीं पर ही ख़त्म होता है। आशा करता हूँ ये वाला ट्रैवल सीरीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड अगर ऐसा हो देन ज़रूर सारे एपिसोड्स लाइक करना, कमेंट करना एंड सबके साथ शेयर करना। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो देन ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और ऐसे एक्साइटिंग ट्रैवल वीडियोस आप लोगों को फ्यूचर में मिल जाए। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ विद अनदर ट्रैवल सीरीज़ और फूड ब्लॉग और कॉमेडी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।